नहीं जी, काफ़ी दिन हो चुके थे कि हम लोग मिले नहीं थे और ना ही कहीं बैठ के खाना खाया था। सो हमने डिसाइड किया कि एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ का हमने बहुत अच्छा रिव्यू सुना था। मुख्तलिफ रस्तों से होते हुए फाइनली हम लोग पहुँच के हैनेनबन पर, जो कि UCP के सामने मौजूद है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिव्यू सुना था, सो हमने कहा इसको भी ट्राई करते हैं। मेरे साथ थे मेरे दोस्त यानी लाला, फरहान और फिजान। मेन गेट खोला तो अंदर से ऐसी ठंडी हवा आई कि आ हा 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 हा। जाते उन्होंने हमारा वेलकम मिंट मार्गरिटा से किया, जो कि बहुत ठंडे थे। हमने लगाई रहे इसके कौन पहले पिएगा, जो कि मैं हार गया। इतने में हमारे सामने आ गया बन, हैन और फ्राइज की बकेट। कोक को तो लाला ऐसे देख रहा था जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को देखता। हमने स्टार्ट लिया फ्राइज से, उसके बाद पंगा दिया बोटी को। काफ़ी अच्छी थी, नरम और गरम भी। मैंने लाला से रिक्वेस्ट की कि यार मुझे बन तैयार कर दे। सो उसने गार्लिक डिप को बन के ऊपर अप्लाई किया, उसको अच्छे से मिक्स किया। काफ़ी मेहनत और तगड़ो के बाद लाले ने मुझे बन तैयार कर तो दिया, मगर बोटी लगाने में नाकाम रहा। बोटी लगाने के बाद मैंने ली पहली बाइट और ओवरऑल इट वाज अ गुड फर्स्ट बाइट। हैनेनबन की खासियत ये है कि ये लोग ब्रोस्ट को अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, जिसकी वजह से बोटी नरम और गर्म रहती है और इसके अंदर इंजेक्टेड स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। लाला जी के हिसाब से मिर्चें बहुत ज़्यादा थीं और फिजान ने जो सिनेमैटिक शॉट दिया है कि आ हा 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 हा। खैर बाहर खड़े हो गए, हमने कुछ पिक्स ली और उसके बाद मैंने पिक ली और उसके बाद फिजान और लाला ने पिक ली और हम लोग हो गए करो करी। ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड हाईली रिकमेंडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।